वेलकम बैक इन अभिनव तोमर फिटनेस। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, बात कोई एक्सरसाइज नहीं है आज, उसमें है कि हार्ट अटैक। जो आजकल बहुत से बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं जिम में, बच्चों को नहीं, जो एल्डर है उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस हैं जिम के, उसका क्या कारण है? और लोगों में एक ऐसा अजीब सा डर बैठ गया है कि जिम करने से हार्ट अटैक हो रहे हैं और लोगों की डेथ हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। फर्स्ट पॉइंट है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल। कोई भी अगर जिम के अंदर या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आ रहा है तो पहले अपनी बॉडी का चेकअप कराएं और उसमें देखें कि मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल की क्या कंडीशन है, किस लेवल पे है। उसकी उसकी बॉडी पहले ही एक्स्ट्रा है, ये जंक फूड खाने की वजह से या बैड स्मोकिंग अल्कोहल, इनकी वजह से पहले ही कोलेस्ट्रॉल हैवी रहता है। एक्स्ट्रा शुगर एक कारण है उसका। और बोलते हैं कि मैं जिम में गया और हार्ट अटैक हो गए, ऐसे न्यूज में भी दिखा रहे हैं, बहुत सी न्यूज है। मुंबई में जिम करते वक्त एक लड़की की मौत हो गई। जनिडा एक्सरसाइज कर ही रही थी कि अचानक से उसके सीने में दर्द शुरू हो गया। उनके सीने में तेज दर्द हुआ और इसके बाद जब डॉक्टर्स को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उस वक्त हुआ जब लड़की वर्कआउट कर रही थी। आजकल जिम में वर्कआउट करना एक ट्रेंड बन गया। सूर्यवंशी फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक थे। राजू श्रीवास्तव को जिम में एक्सरसाइज करते वक्त दिल का दौरा पड़ा और उन्हें सीधे अस्पताल ले जाना पड़ा। एक दूसरी वजह है कि बोल रहे हैं कि लोग ट्रेडमिल पे जॉगिंग करने से या थोड़ी बहुत रनिंग करने से हार्ट अटैक आ रहे हैं। उसका मेन कारण है कि आपकी शरीर की फिजिकल हेल्थ अलग अलग होती है, कि कोई किसी की एज ज्यादा है, कोई कम है, किसी को कम एक्सपीरियंस है, कोई पहली बार भाग दौड़ रहा है इस पे, तो उसके कारण उसके कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन बोलते हैं कि 20 मिनट से कम ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बच्चे है या बुजुर्ग है वो ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके कारण उनका पहले ही उनकी बॉडी फंक्शन अच्छे नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल हाई ही रहता है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे आर्टरी, जो मेन आर्टरी होती है उसपे ब्लड वेसल्स क्लॉट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं दे पाती, उसमें पंप नहीं हो पाता ना हार्ट, तो उससे ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट अटैक का कारण बन जाती है ना। और अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर आप एक्सरसाइज में कोई अनइजीनेस हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक्सरसाइज एकदम रोक देनी चाहिए। और दूसरा, अगर एक रात पहले अगर आपको अच्छे से नींद ना आई हो, आपकी डाइट पूरी ना हुई हो, खाना कैलोरी पूरी ना हुई हो, तो भी आपको एक्सरसाइज में नहीं आना चाहिए। और तीसरा है, जो एक मेंटल फीवर वीवर अगर आपका अभी हो तो भी एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक और पॉइंट है जिससे आप अपने हार्ट अटैक से बच सकते हो, इस कारण से आपको कभी भी अपनी मैक्स हार्ट रेट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आप बोलोगे कि मैक्स हार्ट रेट क्या होती है, तो वो होती है एक फॉर्मूला में होता है कि 220 माइनस जितना भी उस पर्सन की एज हुई, जो आंसर आएगा उसका, उसमें से आपको 75% जो होगा वो उसकी मैक्स हार्ट रेट है। जैसे कि किसी की एज हुई 20, इंडिविजुअल की 20 है ना, 220 माइनस 20 200, वो अगर उसमें से 75% अलग लें तो 150 उसकी मैक्स हार्ट रेट है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए उसे, वो उसका सेफ बैरियर। एक और मेन रीजन हो सकता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो आजकल यंगस्टर्स कुछ अच्छा दिखने के चक्कर में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेन कारण हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में देखा गया है कि नॉट ओनली ये हार्ट अटैक एक आर्टरीज में प्लेटो फॉर्मेशन रोक देते हैं, मतलब क्लॉट जमा देते हैं आर्टरीज के बीच में, जो हार्ट अटैक का कारण बनती है, बट ऑल्सो ये किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, इनका भी कारण हो सकता है स्टेरॉइड का इस्तेमाल। सो किसी प्रॉपर ट्रेनर के अंदर ही इनका इस्तेमाल करें और डॉक्टर अपने एक फिजिशियन जरूर रखें जो आपकी रेगुलर चेकअप रखे। सो वीडियो का एंड अप आ गया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा ऐसे कुछ सीरियस टॉपिक। आई थिंक शुगर इज ए मेन रीजन फॉर मेनी थिंग्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।